नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारतीय चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है। हम फाइनली कोविड पेशेंट्स की सबसे बड़ी संख्या एक दिन में जनरेट करने में सफल हुए हैं। हम इसमें भी आगे होंगे, इस बात की खुशी मनाएं या गम, ये समझ से परे है। पर फिलहाल इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोविड के पेशेंट्स इस रफ्तार से क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे रोका जाए। सबसे पहली चीज तो कोविड और वायरल बुखार में अंतर समझिए। हल्का जुखाम, बुखार, कोई भी ऐसे लक्षण जो कि 3 दिन तक रहते हैं, वो सामान्य वायरल फीवर है। इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक कमरे में बंद रहें, आइसोलेट रहें, गर्म पानी, गर्म चीजों का सेवन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और रेस्ट करें। अगर 3 दिन से ज्यादा कोई सिम्टम्स परसिस्ट होते हैं, स्पेशली तेज बुखार हो या टेस्ट बर्ड्स या स्मेल चली जाए, तो थोड़ा परेशानी की बात है। पर उसमें भी जरा ये सोचिए कि कोविड करता क्या है। अगर ये आपके फेफड़ों में एंटर हो, पेट में एंटर हो, ब्रेन में एंटर हो, हर जगह जाकर ये लॉजिंग करता है। मतलब अपने आसपास की चीजों को सिकोड़ने की कोशिश करता है, उन चीजों को जमाता जाता है। अगर हम थोड़ी सी चीजों का ध्यान day 1 से देना शुरू करें, बल्कि कोई सिम्टम आए उसके पहले देना शुरू करें, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यकीनन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और इस बात को दावे से कह सकती हूं कि अगर आप लोग इस तरह की चीजों को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। पहली चीज है ब्रीदिंग। आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। नाक से गहरी सांस लीजिए, फूंक मारिए। जितनी देर तक फूंक मारते जाएंगे, आपकी लंग्स सांसों को उतनी देर रोकने की कोशिश करेंगी, और ये जो कोशिश है लंग्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रुकने से बचाएगी। ठीक है, आपकी लंग्स ठीक हो गए। दूसरी बात, आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम एक मेडिटेशन है। आप गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि आपके शरीर के चारों ओर ओम का वाइब्रेशन है, और आप गहरी सांस लेकर ओ का उच्चारण कीजिए। अपने कंठ में ओ को स्थापित कीजिए, मस्तिष्क में म का वाइब्रेशन फील कीजिए और देर तक ओम कहते जाइए। ओ ये भी एक प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप सांस रोक रहे हैं ना, अगर आप सांस रोक रहे हैं मतलब आपके लंग्स में सांस रुक रही है। सांस रुक रही है तो खाली हो रही है, क्योंकि हम देर तक सांस छोड़ते जाते, एक्सहेल करते जाते हैं। इस तरह से हम लंग्स के किसी भी कोने को खुला नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आए। इसके बाद एक रुमाल लीजिए, सिंपल सा रुमाल है। गहरी सांस लेंगे, फूंक मारिए, उड़ रहा है ना। देर तक कोशिश कीजिए, 10 की 20 की गिनती तक आप मन में गिनती दोहराते जाइए, फूंक मारते जाइए। दिस विल वर्क। सिंपल फूंक मारने की एक्सरसाइज है। एक दुपट्टा लीजिए या टाल, इसको अपने चेस्ट के लेवल पर टाइप करेंगे, ऑपोजिट हैंड से पकड़ा, गहरी सांस लीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से आप सेगमेंटल ब्रीदिंग का काम करते हैं। लोब्स के जो अलग अलग हिस्से सीटी स्कोर में आ रहे हैं कि आपका स्कोर 4 है 5 है, लोब्स को 25 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर आप हर हिस्से को प्रॉपर ऑक्सीजनेट करेंगे तो कहीं भी कोरोना वायरस या उसके सगे संबंधी डेवलप नहीं हो सकते। यकीन मानिए, प्लीज डू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। घर पर कोविड को टेस्ट करने का एक बहुत इजी तरीका है 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें आपको क्या करना है, आप पहले ऑक्सीमीटर चेक कीजिए, आपका ऑक्सीजन क्या कहता है, 97-98 कुछ होगा, राइट। उसके बाद आप 6 मिनट वॉक कीजिए। वॉक का मतलब है सिंपल वॉकिंग, बैठे बिना, रुके बिना चलते जाइए। आप एक स्पीड में छत पर, हॉल में, कहीं भी वॉक कीजिए। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन लीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन 5 से ज्यादा डिफरेंस पर है, मतलब पहले 99 था और अभी 94 है, या 97-92 है, अगर 5 से ज्यादा का डिफरेंस है तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर ले आए और कपूर लेना शुरू कर दे, बहुत सारी भाप लेने लगे, नहीं। अलार्मिंग का मतलब है आपको ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ाना है, वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल भी जाएंगे, आपको ऑक्सीजन चढ़ाएंगे, राइट। शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में मास्क के द्वारा लगाई जाएगी। बेचैनी होती है उसको लगा के, इतना इजी नहीं है उसको लगाना जितना हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खुश हो रहे हैं। ऑक्सीजन लगाएंगे ना, आप क्या करिए, छत पे जाइए, आसपास नीम का, पीपल का, बरगद का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, जो हो, उसके पास बैठकर गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। जनाब 15 मिनट करके देखिए, जब गहरी सांस लेंगे और फिर ऑक्सीजन चेक करेंगे 6 मिनट वॉक टेस्ट में, आप वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। 5 से ज्यादा डिफरेंस हो तो परेशान होना है,
99 का 97 हो जाता तो इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि हम लोग इतने स्पोर्टिंग और एथलेटिक नहीं है कि हम हर दिन काम करें। बट अगर 99 का 99 है मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर आपको वायरल या फ्लू या कोविड के कोई भी सिम्टम्स हो चुके हैं तो क्या करें, हमको वीकनेस बहुत ज्यादा है, सबको एक कॉमन कंप्लेंट है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो अब आपके शरीर को रिकवरी की जरूरत है, मतलब ऐसा खाना खाना है कि आपके शरीर में कमजोरी ना रुके। तो जरूरी है प्रोटीन्स, मतलब दाल, चने, छोले, जितनी भी प्रकार की भाजियां हैं सारी चीजें अधिक मात्रा में लें, स्प्राउट्स का सेवन करें, दही का सेवन करें, पनीर, चीज, इन चीजों का सेवन करें। दूसरी चीज ड्राई फ्रूट्स, सूखे आलू बुखारे, डेट्स, बादाम, मुनक्के, चिरौंजी, ये कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश, ये कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो आदतन हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनसे फैट नहीं बढ़ता। आप इनको आराम से मुट्ठी भर के खाइए, ये मत सोचो कि क्या होगा, अभी वक्त वजन का नहीं, अभी वक्त इम्यूनिटी बढ़ाने का है। अच्छी मात्रा में आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, अगर ठसका चल रहा है एक चुटकी हल्दी मुंह में रख के गुनगुना पानी पी लीजिए, या फिर एक कप पानी में थोड़ी सी हल्दी बॉईल करके ग्रीन टर्मरिक टी जिसको हम आजकल कहते हैं आप उसके रूप में पीना शुरू कीजिए। शक्कर नहीं मिलाना, सिर्फ हल्दी और पानी को बॉईल करके आप साथ में ले सकते हैं, इसमें चाहे तो दूध मिला सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, इसका सेवन कीजिए, ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पर काम करेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन, सिंपल पानी पीजिए, बहुत अच्छी बात है, दिन में एक बार हमारी दादी माँ के नुस्खों की किताब से निकालकर नमक शक्कर का घोल पीजिए। जी जनाब, मिनरल्स जो है नमक शक्कर के घोल में ऐसी ताकत रखते हैं कि एक कोविड की कॉमन प्रेजेंटेशन है वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, डिहाइड्रेशन के तौर पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आप दिन में एक या दो बार नमक शक्कर का घोल पीना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और आप हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रीदिंग या ऑक्सीजन कम हो रही है, बेचैनी हो रही है, तुरंत उल्टे लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने में आपके चेस्ट और माथे के नीचे पिलो लगाइए ताकि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो ग्रेविटी के सपोर्ट में रहे, और फिर वहां एक बार गहरी सांस लो और फूंक मारो दो तीन ऐसे करके उल्टे लेटकर दो तीन बार ये मैन्यूवर अपनाइए, ऑटोमेटिक वेंटिलेटर का काम करेगी ये पोजिशन, नेचुरल वेंटिलेटर का काम करेगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। कम से कम 20 मिनट में आप दिन में दो से तीन बार 20-20 मिनट की पोजीशन करना शुरू कीजिए, यू विल फील द मैजिकल डिफरेंस अमंग योर बॉडी। संभव हो सके सुबह शाम, मतलब सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के आसपास की सूरज की रोशनी में जाकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि वाइटामिन डी की मौजूदगी में हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म काफी हद तक बढ़ा हुआ होता है और हम जल्दी रिकवरी करते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की या वेंटिलेटर की दिक्कत महसूस हो रही है तो आप नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं, हम बच्चों को देते थे बचपन में, सभी के पास अवेलेबल होते हैं, नहीं हो तो मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। नेबुलाइजर लीजिए, उसमें सादा सलाइन वाटर डाल के मास्क लगा लीजिए, नेजल पैसेज और लंग्स क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। पूरा का पूरा दारोमदार कोविड से बचने का, रिकवर होने का सिर्फ तीन बातों पर है, आपका हाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी पोजिशनिंग, आप उल्टे लेटिए ताकि आपके लंग्स रिकवर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जितना अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करेंगे, लंग्स के एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे, आप उतना जल्दी ठीक होंगे, आप बचे रहेंगे और अपने आप को तैयार रखिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। आप अपने परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमको सिर्फ ज्ञान नहीं बांटना है, हमको उसको फॉलो करना है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू फॉलो दीज बेसिक टिप्स, और अगर आपको लगता है कि शायद आपको जो फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें कुछ भी कोविड का सीन हो सकता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट ऑक्सीमीटर के साथ रखिए, सुबह शाम ऑक्सीमीटर पर फोकस करते रहिए, 6 मिनट वॉक करने के बाद लीजिए, 14 दिनों तक ऐसा कीजिए, घर पर रहकर सारी बेसिक पैरासिटामोल वाली जो मेडिसिन का सभी ने आपको सलाह दी हुई है वो कंटिन्यू कीजिए, विटामिन सी लीजिए, ताजे फल लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और सुबह शाम 6 मिनट वॉक टेस्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी दिन ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन 5 से ज्यादा कम हुआ है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगली रीडिंग भी अगर आपकी 5 से ज्यादा कम आती है तो फिर आप टेस्ट कराकर कोविड के हिसाब का प्रोटोकॉल लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पर अगर आप घर पे ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर कि हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल में बढ़ने वाली भीड़ को कम कर सकते हैं और घर पर सुरक्षित माहौल में स्वस्थ हो सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे होम।